हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। टाइट्रेशंस क्या होते हैं, आप प्लस वन में पढ़ चुके होते हो, फिर भी आप लोग चाहें तो इसी आपके चैनल पर, मेरे इस भोजन सर वाले चैनल पर, आप प्लेलिस्ट स्टोकियोमेट्री में पार्ट 3 वाला वीडियो अगर देख लोगे तो आपका टाइट्रेशन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। टाइट्रेशंस में हम किसी एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करते हैं, किसी एक नोन सॉल्यूशन, नोन मींस जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, अननोन मींस जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। तो किसी नोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की रिएक्शन हम करवा के अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, इस मेथड को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। अगर टाइट्रेशन में हम जो एंड पॉइंट पता करते हैं, एंड पॉइंट आप एक बार वीडियो जरूर देख लें, टाइट्रेशन वाले स्टोकियोमेट्री पार्ट 3, फिर भी हम बता दें, एंड पॉइंट उस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां पर दोनों रिएक्टेंट जो हैं उनका ये मान लिया जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, दैट इज दोनों ने इक्वल इक्विवेलेंस में एडिशन हो चुका है, रिएक्शन इज कंप्लीट है। ओके बेटा जी, तो वह न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं वो आप वहां पर एक बार समझ सकते हो, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की। अगर हम एंड पॉइंट जो पता कर रहे हैं वो हम एंड पॉइंट पता करने के लिए हम कंडक्टेंस की हेल्प ले रहे हैं, मतलब हम हर बार सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं। हर एक ड्रॉप ऐड करने पर टाइटर की, टाइटर बोलते हैं जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, ये ब्यूरेट कहा जाता है, ये आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन एम है और इसमें कोई टाइटर है जो इससे रिएक्शन करेगा, और हम टाइटर की जैसे इसके अंदर एक ड्रॉप इसकी ऐड होगी हम इसकी कंडक्टेंस मेजर कर लेंगे। फिर अगली ड्रॉप ऐड करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर एक आपका एक वॉल्व है जिसकी हेल्प से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें इसको आपका टाइटर को ऐड कर सकते हैं। हर एक एडिशन करने पर ML का या ड्रॉप का हम उसको रोकेंगे, फिर कंडक्टेंस मेजर करते हैं, फिर अगली ड्रॉप ऐड करेंगे, फिर सॉल्यूशन कंडक्टेंस मेजर करेंगे, और कंडक्टेंस जो मेजर की जा रही है वो इस सॉल्यूशन की जिसमें रिएक्शन हो रही है। ओके बेटा जी, तो इसके थ्रू हमें उस कंडक्टेंस में जो वेरिएशन आता है उससे पता लग जाता है कि एंड पॉइंट क्या होगा, दैट इज टाइटर के कितने ML पर ये इसमें मार्क लगे होते हैं जिससे हम रीड कर सकते हैं, 0.0 ML से 50 ML तक कितना कंज्यूम हुआ है एंड पॉइंट पर, वो हमें वॉल्यूम मालूम चल जाता है, और फिर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा करके कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं अननोन कंपाउंड की। तो अगर हम ग्राफिकल वेरिएशंस इसमें देखें तो वो क्या होता है, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सबसे पहला मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टाइट्रेट HCl वर्सेस NaOH। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर एग्जाम में आप लोगों से किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के अंगेंस्ट किया जा रहा हो, अंगेंस्ट का मतलब है कि जो टाइटर होता है दैट इज इसके अंगेंस्ट हम कर रहे हैं वो टाइटर होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के अंगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसकी टाइट्रेशन करूं और हर बार मैं कंडक्टेंस मेजर करूं, तो यहाँ पर HCl की जगह पर वो HNO3 वर्सेस NaOH कहे, H2SO4 वर्सेस NaOH कहे, या यहाँ पर HCl वर्सेस KOH कहे, दैट इज कोई सा भी यहाँ वो चेंज करे आप कंफ्यूज नहीं होगे, सबके लिए कर्व सेम आएगा, आपको नेचर आइडेंटिफाई करना है। अगर वो कभी भी आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में पूछता है कि एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व कैसा होगा या कंडक्टेंस किस तरह से वेरी करेगी बाय द एडिशन ऑफ टाइटर, टाइटर ऐड करने पर, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर। तो यहाँ पर हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उस एग्जांपल से आप समझे, मैंने इसके अंदर ये सॉल्यूशन लिया हुआ, ये लिया है HCl का, और किसके अंगेंस्ट में कर रहा हूँ, NaOH के अंगेंस्ट, टाइटर क्या है मेरे पास, NaOH का सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन से थोड़ा याद रखें, मैं कई बार सॉल्यूशन वर्ड बोलने में मिस कर जाता हूँ, तो आप लोग समझ लें, एक बार बोल दिया बार बार आप समझते रहे। अब यहाँ पर अगर मैं बेटा हो इस कर्व को ड्रॉ करता हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं इसके वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ मोलर कंडक्टेंस और इधर ले रहा हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन एडेड, जो मैं इसमें ऐड करूंगा वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अभी सपोज कीजिए स्टार्टिंग में मैंने इसमें कोई भी NaOH ऐड नहीं किया है, तो स्टार्टिंग में इस HCl की मैंने कंडक्टेंस मेजर की, जब NaOH का वॉल्यूम जीरो ऐड किया है मैंने अभी, उस समय HCl की कंडक्टेंस को आप लोग मान सकते हो वो ये है लैम्डा एन, जो मैंने डॉट्स से शो कर दिया। अब बेटाओ इस HCl में आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जैसे ये जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एच आयन और सीएल माइनस आयन में टूटा हुआ होगा कंप्लीट, आप एरो लगा सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा और डिस्टेंस पे बना देता हूँ। एच एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये एच आयन और सीएल माइनस आयन में डिसोसिएटेड होगा, और इसमें कंडक्टेंस यहाँ पर आ गई इसकी, ये डॉट सी मैंने बना दिया। अब मैं इसमें NaOH ऐड करने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसमें NaOH की एक ड्रॉप ऐड करूंगा बेटा, तो उसमें जितने भी NaOH में से Na प्लस आयन होंगे वो Cl माइनस आयन के साथ में NaCl, ऐसा आप लोग लिखते हो सॉल्ट, बट इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी Na प्लस और Cl माइनस में ही टूटा हुआ रहेगा, जुड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, सारे आयन अलग अलग रहते हैं, आयोनाइज रहता है वो कंपाउंड, और यहाँ पर H और OH के मिलने से बन जाएगा H2O, बट H2O तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में तो H2O बहुत कम ब्रेक होते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। आपने क्या देखा बेटा, जैसे आपने एक ड्रॉप मिलाई, एक ड्रॉप मिलाने पर जितने एच आयन थे उनकी जगह पर आ गया Na प्लस, Cl तो सेम है, पहले भी सॉल्यूशन में इतने Cl माइनस थे अभी भी उतने ही रहे, बट H प्लस की जगह पर Na प्लस आ गया। बेटाओ जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी दैट इज स्पीड ऑफ आयन, वो कंडक्टेंस को अफेक्ट करती है, जितनी मोबिलिटी ज्यादा होती है उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होती है, Na प्लस आयन से H प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जैसी मैं NaOH मिलाऊंगा सॉल्यूशन में H कम होते जाएंगे और उनकी जगह पर क्या आता जाएगा Na प्लस, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में क्या होगी कम होगी, ये कम होती जा रही है, जैसे जैसे मैं NaOH ऐड करूंगा बेटा वैसे वैसे ये कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पर सारा HCl हो गया जीरो और NaOH ने सारा HCl कंज्यूम कर दिया, ऐसा होने पर सारे H प्लस Na प्लस में कन्वर्ट हो गए, सारा Cl माइनस एज इट इज यहाँ पे आ गया कैरी फॉरवर्ड, सॉल्यूशन में अभी भी उतना का उतना ही है। अब जैसे ही NaOH का अगला ड्रॉप आप इसमें मिलाते हो, तो ये NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके टूटने से उतने ही Na प्लस और OH माइनस दैट इज आयंस चार्ज कैरियर्स सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा हो जाएंगे, फिर आप NaOH मिलाओगे फिर उसमें Na प्लस OH माइनस और आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तो अब नहीं हो रही, HCl तो अब है नहीं, तो हर बार NaOH ऐड करने पर उसमें नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में बढ़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्लियर हो गया, एक कर्व इस तरह से आएगा, इस कर्व में क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट हमें मिला ये इसके रिगार्डिंग ये जो वॉल्यूम है NaOH का, ये वॉल्यूम शो कर रहा है कि इस वॉल्यूम पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, रिएक्शन कंप्लीट का मतलब हमें टाइट्रेशन को एंड कर देना चाहिए था, रुक देना चाहिए था, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंड पॉइंट। तो ये NaOH के साथ में मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन में NaOH मिलाने पर, हर बार मिलाने पर इस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किस तरह वेरी करेगी, एक मिनिमम लिमिट तक आएगी, उसके आगे बढ़ेगी, कम होने की बजाय मोबिलिटी जो है आयंस की वो कम हो रही है पहले के मुकाबले, और बाद में बढ़ने की बजाय नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर बेटा, कितना क्लियर हो गया। इस तरह से हम वॉल्यूम इस टाइटर का पता कर लेते हैं, V1 कितना यूज हुआ, इसकी कंसंट्रेशन मुझे N1 नॉर्मेलिटी अगर पता हो, मैंने इसमें कितना वॉल्यूम शुरुआत में लिया था HCl का V2 में मेजर करके डालूंगा इसके अंदर, और इसकी नॉर्मेलिटी मान लो N2 है, तो एंड पॉइंट पर मैं फॉर्मूला, तो एंड पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो एंड पॉइंट पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस बराबर होंगे, दैट इज N1 इज इक्वल्स टू N2 V2 फॉर्मूला लगा करके, इसमें मुझे V1 V2 मैंने मेजर कर लिया, V2 यहाँ से मैंने नाप के इसके अंदर डालूंगा मैं, V1 मैंने टाइट्रेशन से पता कर लिया ये कितना है, और
एन वन एन टू में से जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होगी वो मैं पुट कर दूंगा, और जिसकी पता नहीं होगी उसकी मुझे कैलकुलेट करने पर मिल जाएगी। इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के इस मेथड को टाइट्रेशंस। और अगर टाइट्रेशंस में आपको एंड पॉइंट पता करने के लिए यूज करना पड़ रहा है मेथड कंडक्टेंस मेजर करके, तो हम उसे बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। चलो आगे अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, इस पार्ट को मैं रेज कर रहा हूं, अब थोड़ा सा क्विक आगे बढ़ाएंगे इसको। अगर मैं इसमें सेकंड एग्जांपल लू बेटा, और अब की बार मैं एग्जांपल में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एसिटिक एसिड को मैं लूंगा कॉनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में मैं ले रहा हूँ अभी भी NaOH सॉल्यूशन। या अगर आप लोगों से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये स्टडी है वो वीक एसिड का टाइट्रेशन अगेंस्ट NaOH हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आप समझदार हो समझिए। सबसे पहले अगर मैं बेटा यहाँ पर मेंशन करता हूँ वीक एसिड जो मैंने कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये एसीटेट आयन में और H+ आयन्स में बहुत कम डिसोसिएट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगाया इक्विलिब्रियम का, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, तो आयन्स इसमें H+ और एसीटेट आयन्स बहुत कम होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कंडक्टेंस इसकी मेजर करता हूँ M मोलर कंडक्टेंस, तो इसकी बहुत कम आई, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ NaOH जो मैं ब्यूरेट से इसमें ऐड करूंगा, अभी मैंने ऐड नहीं किया है, उस समय कंडक्टेंस ये है जो मैंने मार्क किया है वाई एक्सिस पर। अब बेटा हो आप लोग समझदार हो, जैसे ही मैं ब्यूरेट की हेल्प से इसमें एक ड्रॉप NaOH मिलाऊंगा, जैसे ही मैं NaOH मिलाऊंगा एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ऐसा होने से CH3CONa सोडियम एसीटेट बनेगा, और सॉल्ट एंड वाटर आप जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वाटर बनेगा यहाँ से H, और इसका OH वाटर बन गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, टूटता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम एसीटेट बना है ये अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जो 100% आयोनाइज माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर जो एरो का साइन लगा रहा हूँ ये 100% आयोनाइज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल वाला साइन मेंशन किया हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कौन से होते हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में लिखवा चुका हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था, प्लस वन में आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको आगे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यहाँ पर जो मुझे इसका 100% आयोनाइजेशन होगा, और सॉल्यूशन के अंदर मुझे एसीटेट और Na+ आयंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, यानी ये पूरा टूट जाएगा, तो जो पहले आयंस मेरे पास थे वो कम थे, अब मेरे पास आयंस की नंबर बढ़ रही है, हर बार NaOH ऐड करने पर वीक से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है जिसके डिसोसिएशन से आयंस ज्यादा मिलेंगे, तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं NaOH मिलाऊंगा वैसे ही इसमें कंडक्टेंस बढ़ेगी, तो यहाँ पर इस तरह से कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर एसिटिक एसिड पूरा खत्म हो गया, ये जीरो हो गया। अगर ये पूरा जीरो हो गया बेटा, तो इसके बाद में अगर आप फिर भी NaOH मिलाते हो तो उसके अंदर जितना एसीटेट और Na+ आयंस बन चुके थे वो तो इसके अंदर थे ही, अब NaOH तो रिएक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि एसिटिक एसिड खत्म हो चुका है, तो हर बार NaOH मिलाने पर Na+ और OH- भी और आगे इसमें ऐड होते जाएंगे, तो जो रिएक्शन तो होगी नहीं बट टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस फिर और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो कर्व जो है वो आपका इस तरह से आएगा, इस नेचर का होगा, थोड़ा कर्व आगे पीछे हो सकता है स्लोप। यहाँ पर ये जो पॉइंट मुझे बता रहा है जहां से अचानक से बढ़ना शुरू हुआ है, ये बता रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। ओके बेटा जी, इस तरह से कर्व की नेचर और इसके प्रोसेस को आप लोग समझ सकते हो। मैं अब इसके आगे कुछ और एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप इसे और बेटर ढंग से समझ पाओगे, मैं कुछ प्लस वन के कंसेप्ट भी इसमें यूज करूंगा। देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल्स में मैं ले रहा हूँ बेटा अब आपके सामने, जहां पर मैं अब HCl वर्सेस NH4OH, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को
किसी वीक वेस के अगेंस्ट टाइटर करूं, इसका जो टाइट्रेशन है, तो क्या होगा? आप समझदार हो, अगर आपने स्टार्टिंग में केवल HCl लिया हुआ है, ध्यान देना आप लोग, केवल HCl है अभी कॉनिकल फ्लास्क में, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके टूटने से सॉल्यूशन में सारे के सारे HCl होगा ही नहीं जुड़ा हुआ, सारा का सारा H प्लस और Cl माइनस होगा उसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस भी ज्यादा होंगे, तो इसकी कंडक्टेंस स्टार्टिंग में ज्यादा होगी, ये मोलर कंडक्टेंस HCl की ज्यादा होगी। अभी आपने वॉल्यूम NaOH का वो सॉरी NH4OH ऐड नहीं किया हुआ है, अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ NH4OH, मैं वही लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड शॉर्ट में, ओके बेटा। तो मैं यहाँ पर जब मैंने ऐड नहीं किया NH4OH उस समय आयंस होंगे इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ NH4OH, NH4OH जैसा मैंने मेंशन किया वीक बेस है, कोई भी वीक बेस वो यूज कर सकता है आपसे क्वेश्चन में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे याद रखें, और आप जब भी पूछे तो आप लोग बस ये आइडेंटिफाई करें कि वो एसिड या बेस स्ट्रांग है या वीक है, तो आपको कर्व को पहचानने में या बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे इसमें NH4OH ऐड करता हूँ बेटा, ये NH4OH जो है इसमें वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, इस एच के साथ में OH जो है वो ऐड होगा और ये बना देगा H2O, और यहाँ पर बन जाएगा NH4 और Cl के मिलने से NH4Cl, ओके बेटा। अब यहीं पर बस आपको ध्यान देना है कि जो ये NH4Cl बना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, NH4Cl is strong electrolyte, और strong electrolyte है तो ये भी पूरा टूटा हुआ होगा किसमें, NH4 plus में और Cl minus में। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने NH4OH जब मिलाया तो उसके मिलाने के बाद में जितने HCl के बच गए वो तो बच गए, और जो बने थे वो भी उतने ही बने जितने NH4OH से रिएक्ट किए, दो आयन से दो ही बने, और इन दोनों आयंस में जो है वो आप देख रहे हो अच्छे से कि Cl जितना पहले था उतना भी है, उससे भी फर्क नहीं पड़ा, बट H प्लस की जगह पे क्या आ गया, NH4 प्लस, छोटे की जगह पे बड़ा आयन आ गया। जब भी ऐसा होगा तो आप लोग समझदार हो, क्या होगा बेटा, यहाँ पर मोबिलिटी जो है वो H आयंस की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है H आयंस की, और अब NH4 प्लस जो बन रहा है उसकी मोबिलिटी कम है, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, जैसा मैंने पहले केस में आपको बताया था, तो एक कंडक्टेंस यहाँ पर जैसे जैसे मैंने इसको एच मिला हुआ कंडक्टेंस कम होती जाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन होगी कंप्लीट, मतलब ये हो गया जीरो, अगर आप इसके आगे NH4OH और मिलाते हो, बस अब यहाँ पे आपको समझने वाली प्रॉब्लम जो आपके ना आए तो ध्यान दें, इस सॉल्यूशन में पहले से NH4 प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है, जैसे आप लोग NH4OH इसके अंदर मिलाओगे बेटा, तो ऐसा कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में ऐड किया जाए जिस सॉल्यूशन में कोई एक आयन पहले से प्रेजेंट हो, चाहे NH4OH का मतलब इसमें पहले से NH4 प्लस हो या OH माइनस हो, मतलब एक आयन कॉमन हो सॉल्यूशन में ऑलरेडी, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये डिसोसिएट नहीं होता या नेग्लिजिबल डिसोसिएट होता है, इसको हमने प्लस वन में पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये इफेक्ट केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पर वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसेंट्रेशन एट प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 100% आयोनाइज्ड माने जाते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है, तो हम यहाँ पे क्या बात लिखेंगे, अब इसके आगे जो फर्दर जो आपने मिलाया है, जो फर्दर NaOH जो मिलाया है, ये NH4OH विल नॉट डिसोसिएट और आयोनाइज आफ्टर एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट आ गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एंड पॉइंट मींस रिएक्शन कंप्लीटेड, HCl अब नहीं है, तो एंड पॉइंट के बाद में NH4OH है वो डिसोसिएट आगे नहीं होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, एक एम एक्स्ट्रा बन गया, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बेटा जी यहाँ पर NH4 जो आप मिला रहे हो बाद में वो डिसोसिएट होके और आयोनाइज नहीं होगा, जब और आयोनाइज नहीं होगा तो और आयंस की नंबर अब इंक्रीज नहीं होगी, तो आयंस की नंबर कॉन्स्टेंट हो गई, आयंस की नंबर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप भले ही NH4OH मिलाते रहिए अब कंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कंडक्टेंस रिमेन सेम। तो आप इस कॉमन इफेक्ट को और अच्छे से एक बार आप प्लस वन में जाकर के आप एक बार रीड करें, एक बार रिवाइज करें, इसको वीडियोस में देखें। आगे बढ़ते हैं, तो ये कर्व समझ में आ गया। इस कर्व में बेटा ये जो जहां अचानक से वेरिएशन आया कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड इस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे जो यूज हुआ एनएस फॉर ओएच का एंड पॉइंट। इस तरह से हम एंड पॉइंट को रीड कर सकते हैं कितना यूज हुआ, और हम उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस N1B1 इज इक्वल टू N2B2 लगा करके अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, मैं इसके आगे अभी एक फर्दर एग्जांपल और ले रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से इसको मैं अब मिक्स करूंगा यहाँ पर। माय फर्दर एग्जांपल इज नाउ आई एम गोइंग टू टाइट्रेट HCl और HCN दो एसिड्स का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर को मैं टाइट्रेट कर रहा हूं अगेंस्ट NaOH। तो इस तरह से बना करके वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ आपके लिए बहुत आसान सी बात है, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैं उसे यहाँ पर मिक्स करूंगा, यानी इधर हम कंडक्टेंस लेंगे, इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH जो मैं ऐड करूंगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई, उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCN एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी एच है, वीक एसिड में भी एच है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर टाइट्रेशन से पहले की हम बात करें, NaOH मिलाने से पहले की हम बात करें, तो इसमें जितने भी एच आइंस और सी एल माइनस आइंस होंगे वो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगी। HCN को हम HCl की प्रेजेंस में अनडिसोसिएटेड मान सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो इनिशियली HCN कैन बी कंसीडर्ड एज अनडिसोसिएटेड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा आयन कॉमन है? इसमें H प्लस आयन कॉमन है HCN का HCl के, तो इसकी वजह से अनडिसोसिएटेड है, ये टूटा हुआ नहीं है। मतलब जितने भी आइंस होंगे स्टार्टिंग में वो सारे H प्लस और Cl माइनस आइंस होंगे, और उसकी वजह से कंडक्टेंस यहाँ पर काफी होगी। अब जैसे हम NaOH मिलाते हैं तो सबसे पहले वाला केस आप लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जब तक रिएक्शन एंड पॉइंट नहीं आया था, कंप्लीट नहीं हुई थी, वहां कंडक्टेंस इस तरह से चेंज हुई थी। एक बार फिर से बनाता हूं, इट इज ये इस तरह से चेंज हुई थी। आप मेरा पहला एग्जांपल जो लिया है अभी, आप बैक करके वीडियो को देखो एक बार फिर, ये पोर्शन हमारा इस तरह से कंडक्टेंस चेंज हुई थी, इसलिए हम इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वहां कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ही HCl पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर HCN आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा और NaOH से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। मतलब इसके आगे अब रिएक्शन जो यहाँ से आगे जो स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से आगे जो स्टार्ट होगी रिएक्शन, वो अब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस होगी। और वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व भी बनवा चुका हूं मैं आपको, वो कैसे था, स्टार्टिंग में स्लाइटली इंक्रीज एंड देन रैपिडली इंक्रीज अब ट्रेंड पॉइंट। अब देखिए, तो ये मैंने दो कर्व मिला दिए, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये जो कर्व जो मैंने बनाया है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का था, फिर यहां से यहां तक ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस को। मतलब ये जो एंड पॉइंट है इसको कहा जाएगा एंड पॉइंट फॉर HCl strong acid, and this one is called end point of HCN weak acid. Okay guys, clear हो गया? तो इस तरह से कई चीजों को मर्ज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि किस तरह से आइंस, आइंस की नंबर या फिर
मोबिलिटी ऑफ आइंस चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग कंडक्टेंस आपको चेंज करनी है। जहां अचानक से सडन चेंज आता है उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। ये माना जाता है कि वहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अगर हम इसके आगे बढ़े, मैं अब आपके हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ले लेता हूँ आईआईटी के, और मैं आपको ईयर वाइज मेंशन कर देता हूँ। एक मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो जेईई 2011 में पूछा गया था। तो जरूरी नहीं है कि बेटा यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन ही हो, वो कुछ भी कोई भी कंसेप्ट आप सेट कर सकता है। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा था वो आप देखिए ध्यान से। उसने पूछा था कि अगर मैं AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन को KCl एक्वस सॉल्यूशन के साथ में टाइट्रेट करूं, दैट इज इनके बीच में टाइट्रेशन करूं मैं, तो कर्व ऑफ लैम्डा एम कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड, इसके बीच का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, कर्व कैसा बनेगा। एक्चुअल में वहां पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, चार कर्व बने हुए होते हैं। उसने पूछा कौन सा कर्व मेंशन कर रहा है। सही है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको पहले रिएक्शन पे ध्यान देना है, उसके बनने वाले जो आपके प्रोडक्ट हैं उन पे ध्यान देना है, उनकी नेचर स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट इस पर ध्यान देना है, और जो आयंस सॉल्यूशन के अंदर होंगे उन आयंस के साइज उनकी मोबिलिटी पर ध्यान देना है। तो बेटा जी अगर आप यहाँ पे ध्यान देते तो आपको ये पता लगता, ये क्वेश्चन था, मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप देखते कि AgNO3 एक एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, KCl जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस KOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मेरे बेटा ये आपने जब AgNO3 लिया, ओनली AgNO3, तो आप कर्व ड्रॉ कैसे करोगे, आप कर्व ड्रॉ करना भी एक बार फिर देखें ध्यान से। पहले हम सॉल्यूशन जो हमने लिया है AgNO3 का, इसकी कंडक्टेंस हमने मेजर की, जीरो वॉल्यूम ऑफ KCl, इधर आप ले रहे हो वॉल्यूम ऑफ KCl, जीरो वॉल्यूम ऑफ KCl पर आपने लिया है, मतलब आपने KCl ऐड नहीं किया है, केवल AgNO3 कंडक्टेंस है वो आपने मेंशन कर दी, क्योंकि इसके अंदर आपको Ag+ आयंस मिलेंगे, NO3- आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही आप इसमें KCl ऐड करोगे बेटा जी, KCl की से रिएक्शन होगी जिसकी वजह से AgCl बनेगा, ये होता है सॉलिड प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन में ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो K है वो NO3 से जुड़ करके बना देगा KNO3, ये KNO3 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाए थे, आप इन्हें एक बार याद करें, पहचानना आ जाएगा आपको कैसे पहचानते हैं। तो ये भी 100% आयोनाइज होकर के K+ और NO3- आयन में ब्रेक रहेगा, दैट इज सॉल्यूशन के अंदर। पहले जब मैंने KCl नहीं मिलाया था तब Ag+ और NO3- आयंस थे, जब मिला दिया तो अब इसमें K+ और NO3- आयंस आते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर केवल Ag+ की जगह पर K+ आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस चेंज नहीं हो रहे, NO3 सेम है। और आप जानते हो K+ और Ag+ का साइज ऑलमोस्ट बराबर होगा, क्योंकि K+ है वो लेफ्ट एंड है, Ag+ राइट एंड में है, लेफ्ट राइट डी ब्लॉक में जाते हैं, तो साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। इससे क्लियर हो गया बेटा जी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कंडक्टेंस जो रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इस तरह से, कब तक, जब तक कि Ag की जगह पर K+ आ रहे हैं, जब तक रिएक्शन आगे चल रही है। जैसे ही बेटा एंड पॉइंट आ जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि Ag+ अब खत्म हो गया, अभी जीरो है। अगर आप इसके आगे भी KCl मिलाते हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसके आयंस पहले से प्रेजेंट है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये भी टूट करके K+ और Cl- आयंस बनाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट सिर्फ कब होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक बार फिर समझ ले, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को कोई नहीं रोकता, वीकर रुक जाता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, एंड पॉइंट के बाद भी अगर आप ऐड करते हो KCl तो उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में बढ़ेंगे चार्ज कैरियर्स, अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर कंडक्टेंस तेजी से बढ़ेगी।
Now, this change will represent, this point will represent end point. इस तरह से आपके JEE एग्जाम में ये कर्व आइडेंटिफाई करना था और यही उसका आंसर था. इस तरह से आप इसको करके आ सकते हो. एक लास्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स का और लेते हैं आपके बताने के लिए कि किसी भी कंसेप्ट को ऐड करके पूछा जा सकता है. आप कंडक्टेंस या हर पॉइंट को क्लियर रखें. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन JEE अभी लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है. 2019 में मेंस में पूछा गया है, सॉरी एडवांस में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको एडवांस मेंशन कर रहा हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन क्या था एक बार वो समझ लें आप लोग. इन्होंने कहा था कि सोडियम स्टीयरेट, आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ सरफेस केमिस्ट्री में. सोडियम स्टीयरेट साबुन का एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड होता है. ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि सोडियम सॉल्ट है. सोडियम सॉल्ट मतलब NaOH का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. मतलब इस सॉल्यूशन में टूट करके दो आइंस में रहेगा, एक Na+ आइंस रहेंगे और एक इसके अंदर स्टेरेट आयन होंगे. इसके सॉल्यूशन में ये माइनस स्टेरेट आयन है, ये सोडियम आयन. मतलब जब ये घुला हुआ होगा एक्वस सॉल्यूशन में तो ये सोडियम स्टेट कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा आइंस में डिसोसिएटेड होगा. ओके बेटा जी, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा. इन्होंने कहा कि मैं इसको सब्जेक्ट बना देता हूं. सो CMC क्रिटिकल माइसिलेशन कंसेंट्रेशन एट कर्व ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस कंसेंट्रेशन. उन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया कि बताइए कर्व क्या होगा और इस पर सीएमसी को शो कीजिए. इसके क्या क्या कर्व है बेटा, फिर समझ लें आप एक बार. ये कर्व है उस सोडियम स्टीयरेट सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का वर्सेस उसकी कंसंट्रेशन के रूट का. यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ रूट ऑफ कंसंट्रेशन. इन्होंने कहा कि इसके बीच में कर्व ड्रॉ कीजिए और उस कर्व में कंसंट्रेशन चेंज करने पर मोलर कंडक्टेंस किस तरह चेंज होगी सोडियम स्टीयरेट की, ये बताइए और साथ में आप क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन को शो कीजिए. CMC क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. तो अगर हम आगे बढ़े तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक अपोजिट तरीके से चलता हूँ. ये मान लीजिए क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन का रूट ये है, ये रूट सी लिया है मैंने, कंसंट्रेशन नहीं है, ये क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन का रूट है और इस कंसंट्रेशन पर ये इसकी मोलर कंडक्टेंस है. ओके बेटा जी, ये मान लीजिए समझने के लिए क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन से भी अगर आप कंसंट्रेशन कम करते हो बेटा, तो आपको हमने बताया था कि क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन एबव विच माइसिलेशन अकर्स, जिसके ऊपर माइसिलेशन होगा मतलब एसोसिएशन होगा, वो एग्रीगेट होंगे, उससे पहले नहीं जुड़ेंगे. अगर उससे पहले नहीं जुड़ेंगे इसका मतलब क्या है कि सोडियम स्टेट के आयन सोडियम और स्टेट ऐसे रहेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एट मोलर कंडक्टेंस पढ़ाया था. तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पर, कंसेंट्रेशन कम करने पर कंडक्टेंस किस तरह से बढ़ रही थी, ये आपको याद होगा इस तरह से बढ़ रही थी. तो ये कर्व किसका है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. याद आ गया बेटा, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एट कंडक्टेंस. अब इसके आगे बढ़ते हैं. इस पॉइंट अगर माइसिलेशन कंसंट्रेशन से आप आगे बढ़ते हो बेटा, अगर इसके आप आगे बढ़ते हो इस कंसंट्रेशन से, इस वैल्यू से, तो वहां पे क्या होता है माइसिलेशन. माइसिलेशन का मतलब आप समझते हो कि जब किसी ये स्टेट जो आइंस है ये इसके चारों तरफ एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं माइसिल फॉर्मेशन. और जब ये एग्रीगेट होंगे बेटा जी, इस तरह से जब ये माइसिल बनेगा तो जितने आइंस जो पहले अलग अलग फ्लो हो रहे थे स्टीरेट के, वे सारे आइंस सब एग्रीगेट हो गए और ये एग्रीगेटेड आइन जो होगा ये अब फ्लो होगा.
लेकिन आप लोग इतना तो समझ सकते हो कि नेट चार्ज तो उतना ही जा रहा है ना, चाहे वो सारे आयंस 10 आयंस मान लो या 100 आयंस है इसमें माइसिल में, तो पहले 100 आयंस आपके एक साथ पहुंच रहे थे एनोड पर अलग अलग, अभी एक साथ पहुंच जाएंगे, चार्ज तो इक्वल फ्लो होगा, आपके दिमाग में बात आ सकती है, पर आपको समझना है बेटा वो ये बल्की हो गया, बड़ा हो गया, और बल्की होने की वजह से इसकी जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, इस माइसिल की मोबिलिटी ऑफ माइसिल जो होगी वो बेटा कम होगी एक इंडिविजुअल स्टीरेटाइन से। क्या होगी बेटा? एक इंडिविजुअल स्टीरेट जो आयन है उससे मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम का मतलब कंडक्टेंस इस माइसिल की कम होगी, है ना बेटा? एक हमने पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो इसका कर्व बेटा कैसे आता, डाइल्यूशन के साथ में, आपने पढ़ा था एक कर्व ऐसे था पूरा कर्व, जहां पर हमने डेवाई हकल इक्वेशन भी पढ़ा था, ये पूरा कर्व इस तरह से था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस दैट इज डाइल्यूशन के साथ में कंडक्टेंस का कर्व। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें और ज्यादा कमी हो जाएगी और ज्यादा डिक्रीज होगा, ये और ज्यादा तेजी से डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ पर आयंस इंडिविजुअल फ्लो होने के बजाय ग्रुप में फ्लो हो रहे हैं, बड़े आयंस में फ्लो हो रहे हैं, दैट इज माइसिल फ्लो हो रहा है, और माइसिल की मोबिलिटी कम होगी, और माइसिल कब बना है, जब क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, इट मींस ये जो पॉइंट जहां से एक लीनियर डिक्रीज होने के बजाय अचानक से रैपिड डिक्रीज होने लग जाए वो बताता है क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन को। इज दैट क्लियर बेटा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर ये माइसिलेशन नहीं होता तो कर्व कैसा होता, जैसा मैंने ये एक्सट्रापोलेट किया हुआ है आगे डॉटेड लाइन से, ऐसा कर्व होता पूरा, पर अचानक से जो डिप हुआ है, जो ज्यादा डिक्रीज हुआ है, उसकी वजह क्या है, माइसिल फॉर्मेशन, और जिस कंसंट्रेशन पर माइसिल फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन। हालांकि इसका रूट है बट हम इसका स्क्वायर करके सीएमसी निकाल सकते हैं, तो ये पॉइंट से हम सीएमसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जेई एडवांस के क्वेश्चन है जहां पर एक कर्व में से आपको आइडेंटिफाई करना था, तो आपने देखा सरफेस केमिस्ट्री, माइसिल फॉर्मेशन, कई बार कंसंट्रेशन, कई बार एसिड बेस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है, आपके आयनिक रिएक्शंस में कहीं भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के थ्रू आयनिक सॉल्यूशंस जो हैं उनकी कंडक्टेंस के थ्रू आपसे एंड पॉइंट पॉइंट पूछा जा सकता है, कर्व की नेचर पूछी जा सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे या जो भी आप किस तरह की वेरिएशंस आएंगे कर्व के, वो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में टाइट्रेशन के साथ आपसे कर्व पूछे जाए। इज दैट क्लियर बेटा? थैंक यू, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय, टेक केयर।